जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूँ आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है और हम पहुँचे हैं श्री दुर्गियाना मंदिर। तो यहाँ पर 11 ज्योतिर्लिंगों की आज यहाँ पर कलश यात्रा निकल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भक्त लोग आए हैं और जयकारा के साथ आज जो यहाँ पर कलश यात्रा निकल रही है, इसका क्या आज महत्व है, इसके बारे में बताइएगा। जय माता दी। सारे शहर वासियों को बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि अपने अमृतसर दे विच अज मां बंगला मुखी मंदिर का जरा निर्माण कार्य चल रहा है, पीरा बाजार कटरा खजाना दे विच संपूर्ण हो गया। अज उसे संबंध विच अज कलश यात्रा जी आप लैके आए हैं, जिहड़ी कि इतों जल भर के मंदिर ठुठा अमल हरदयाल सोसायटी मंदिर विच जाके समाप्त होएगी। और तो बाद पंडित जी यग वगैरह करनगे, और तो बाद ते कल असी रथ यात्रा सवारी कढ़नी है। सवारी कढ़न तो बाद जी छोटा जिहा रूट बना के जरा बाजारां दे विच प्रशासन की मंजूरी के नाल असी चलना वा, जरा छोटा जिहा रूट बनाया सी। और तो बाद बुधवार वाले दिन सवेरे माता जी की प्राण प्रतिष्ठा होएगी। प्राण प्रतिष्ठा होने तो बाद राती महामाई जी का जागरण होएगा, लंगर पूरा प्रबंध किया गया, लंगर का भी जरा कि भी लिमिटेड बंदे दे नाल चलेगा। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर बंगला मुखी माता जी का मंदिर का निर्माण हो गया है, तो वहाँ पर ये जल अभिषेक यात्रा वहाँ जाएगी। सर, आज की हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो भीड़ कम होती जा रही है, वजह क्या है? बाकी हम अलग बातें करें तो कम से कम हिंदुओं में एकता की फिर वही दुहाई हम देंगे, एकता कम है क्या? हिंदू में हिंदू तत्व नहीं खत्म होता। नहीं, मैं कुछ नहीं, हिंदुओं में जो हिंदू लोग हैं, हिंदुओं में आस्था नहीं खत्म हो सकती। जो हिंदू धर्म है ना, हिंदू जो अपने को हिंदू मानते हैं, हिंदू सनातनी आओ जी, आस्था आस्था खत्म नहीं हो सकती उनकी। ये हम सनातनियों की आस्था ही है कि मुगलों ने सैकड़ों आदमी रोज कत्ल करके उनके जनेऊ उतार के स्नान करता था औरंगजेब, मगर फिर भी हमारा सनातनी अभी तक अपने कायम है। आप इधर बाहर जाके देखो, सारे जो देश थे जो पहले हिंदू थे वो सब ईसाई थे, उनको भी मुसलमान बना दिया उन्होंने, जो यहूदी थे उनको भी मुसलमान बना दिया, मगर भारतवर्ष में सनातन इतना अभी तक कायम है कि हम जो हैं अपने धर्म पे कायम है। सही बात है, देश की धरती है, वीरों की धरती है, और सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने यहाँ पर मानव का रूप लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी भी औरंगजेब सोच है यहाँ के जो देश चलाने वाले है, क्यों नहीं है, अभी भी है, अभी भी सोच है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलश यात्रा निकल रही है, यहाँ पर मातृशक्ति यहाँ पर आई है। कहाँ से आई हैं बहन जी आप? अमृतसर से, खजाने वाले गेट से। खजाने वाले गेट से, तो ये सबसे बड़ा खजाना हाथ में है आपके, खजाने वाले गेट से? जी जी जी, हमारे हाथ में है, सबसे बड़ा खजाना हमारे हाथ में ही है। अरे वाह, तो कहाँ तक कलश यात्रा ये जाएगी, कहाँ तक लेके जाएंगे आप? खजाना गेट से। खजाना गेट, तो देख सकते हैं ये कलश यात्रा है और ये श्री दुर्गियाना मंदिर से होते हुए अब ये खजाना गेट जाएगी और माँ बंगला मुखी का मंदिर है। क्या नाम है आपका? प्रियांशी। अरे वाह, कहाँ आई हो? में आई हो कलश यात्रा में, या देख सकते हैं कलश यात्रा है और वहां पर आगे धूम धड़ाके के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप यहां पर मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार है और धूम धड़ाके के साथ कलश यात्रा निकाली जा रही है। तो ये कलश यात्रा निकाली जा रही है श्री दुर्गियाना मंदिर से और ये खजाना गेट स्थित बंगला मुखी मंदिर तक ये कलश यात्रा जाएगी। तो ये देख लो, ये झूम रहे हैं, ये झूमते हुए भक्त। आज दूसरा सोमवार है सावन का, ये भक्त हैं। गिनती भले ही कम हो लेकिन आस्था हिमालय पर्वत की तरह है। अब देख सकते हैं ये कलश यात्रा है और श्री दुर्गियाना मंदिर से आज ये कलश यात्रा निकाली जा रही है खजाने वाले गेट तक, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मंदिर भी हम आपको लिए चलते हैं, अब आए हैं तो हम आपको दर्शन भी करवाएंगे। आप देख सकते हैं ये कलश यात्रा के बाद हम मंदिर में पहुंच रहे हैं और आस्था से भरा, आज सोमवार है, दूसरा सोमवार है और
देख सकते हैं भक्तों की कतार। तो ये दुर्गियाना मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध दुर्गियाना श्री दुर्गियाना तीर्थ है। आज यहाँ पर दूसरे सोमवार यहाँ पर भारी गिनती में यहाँ पे आज भक्त पहुँचे हैं। और मौसम भी आज सावन के ही तरह है, आज मौसम भी सावन की ही तरह है और बरसात हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और भक्तों की आस्था आप देख सकते हैं अंदर श्री दुर्गियाना तीर्थ स्थल में। तो ये हम आपको दिखा रहे थे लाइव भारत पर आज कलश यात्रा और 11 ज्योतिर्लिंगों की आज कलश यात्रा है ये। और ये श्री दुर्गियाना मंदिर है और दुर्गियाना मंदिर भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दुर्गियाना मंदिर है और यहाँ पर आज निकाली गई है कलश यात्रा और मंदिर। तो हम लिए चलते हैं आपको मंदिर में, आप भी दर्शन कर लें। विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये, देखें दर्शन करें। दर्शन कर रहे हैं। तो मंदिर से आप दर्शन कर लें। तो यहाँ पर नवविवाहिता जोड़े यहाँ पर आते हैं। कहाँ से आए हैं आप? आप कहाँ से हैं? यही है सर, यही से। तो आज सावन का हर सोमवार आते हैं बहन जी आप? जिस तरह से आपको देख सकते हैं यहाँ पर नवविवाहिता जोड़े भी आते हैं सावन के हर सोमवार पे, यहाँ पर दर्शन करने के लिए भारी भीड़ जुटती है। जैसा कि आज कलश यात्रा निकाली गई है और ये कलश यात्रा परिक्रमा के बाद, ये परिक्रमा कर रही है कलश यात्रा। अब ये परिक्रमा के बाद ख़त्म होने के बाद ये बंगलामुखी मंदिर खजाना गेट में जाके ये समाप्त होगी। तो ये थी आज हमारी लाइव भारत पर ये कलश यात्रा को लेकर ये आज थी स्पेशल खबर। हमने आपको दर्शन भी करवाए विश्व प्रसिद्ध श्री दुर्गियाना तीर्थ के। तो आप भी सोमवार के दिन जी, आप कहाँ से आते हैं? अमृतसर से हर सोमवार को आते हैं जी। हाँ जी। अच्छा, तो ये आज कलश यात्रा भी निकाली गई है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। तो कहते हैं कि मंदिर में सावन के महीने में आने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे आए हैं तो कम से कम विश्व प्रसिद्ध मंदिर में हिंदुओं की जो आस्था है, आते तो लोग हैं पर गिनती कम है। जैसे आज कलश यात्रा में भी गिनती कम थी। और बात करें अमृतसर की तो लाखों की आबादी है। ये जो जनसंख्या कम है ये कोरोना की वजह से है, क्योंकि अभी भी कोरोना जो है पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए लोग अभी भी नियमों की पालना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या कम है। मास्क तो किसी ने पहना नहीं। मास्क जो है जब मंदिर में दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं तो मास्क उस वक्त थोड़ा परहेज रखते हैं, बाकी जब बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि आज सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार, हमने दर्शन करवाए, कलश यात्रा भी आपको दिखाई। तो आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय जय भारत।